हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट CSIR। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो CSIR ने दो पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली हैं। एक SO की पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर, और एक ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, दोनों की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 444, यानी कि 444 वैकेंसीज हैं, जिसके आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट है आपकी 12 जनवरी। ठीक है, और आप एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हो 14 जनवरी तक। आपका जो स्टेज वन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे दो स्टेज में एग्ज़ाम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होगा वो आपका फेब्रवरी 2024 में फाइनल है, होगा ही होगा, डेट अभी फिक्स नहीं है। और स्टेज टू के बारे में अभी नहीं पता है कब तक क्या होगा। ठीक है, बट स्टेज वन का फिक्स है। ओके, उसके बाद में अगर वैकेंसीज को देखें हम पोस्ट वाइज, तो सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसीज हैं 76। ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यू जस्ट नीड अ डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिग्री होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 33 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिनिमम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट मिनिमम आपको पता है 18 ईयर से बिलो नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम में। फिर ASO की नंबर ऑफ पोस्ट है 368। ठीक है, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। अभी गैजेटेड और नॉन गैजेटेड में क्या फ़र्क होता है? अगर आप गैजेटेड पोस्ट में हैं तो आप लाइक एज एन ऑफिसर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह कर सकते हैं, अभी उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आई डोंट थिंक कि मुझे ये सब बताना चाहिए। नॉन गैजेटेड में आप कोई भी पेपर वर्क पे अपना स्टैम्प या साइन नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होता है, सिर्फ इतना समझ लीजिए। और अगर आपको गैजेटेड नॉन गैजेटेड के बारे में जानना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यू जस्ट नीड अ डिग्री, एज लिमिट यहाँ पे भी 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपके जो सेक्शन ऑफिसर है उसकी टोटल वैकेंसीज तो 76 थी। अब यहाँ पे तीन पार्ट में वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। SO जनरल का 28, SO F&A का 26 वैकेंसीज है, SO S&P का 22 वैकेंसीज है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा जूम कर सकते हैं देखने के लिए वैकेंसीज का। एक मिनट मैं कर देती हूँ, आप पॉज कर लीजिएगा। यस, मैंने जूम कर दिया है, आप पॉज करके देख लो कि SC का कितना है, ST का, OBC का, सबका अलग अलग वैकेंसीज दी हुई है। उसके बाद में ऐसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ASO जनरल, ASO F&A, ASO S&P। जनरल का 237 वैकेंसीज है, F&P का 83, S&P का 48, टोटल 368 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS इन रो का 500 रुपये चार्ज है, और वोमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, इन सब का कोई चार्ज नहीं है, निल है। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व को 10 साल का, PWD SC ST को 15 साल का, PWBD OBC को 13 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एक्चुअल मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। CSIR का जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसको 5 साल का, और बाकी कोई भी कैटेगरी है उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। आपका जो एग्ज़ाम की स्कीम होगी उसमें पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में आपका CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका 100 मार्क का होता है। तो पेपर 1 में क्या क्या आता है? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 150 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। जनरल अवेयरनेस में आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का एक नंबर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 की रॉन्ग के लिए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका
50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 के ही। पेपर 2 आपका 200 नंबर का होता है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आता है। ये 2.5 घंटे का होता है टाइम इसमें। यहाँ पे आपको 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी 0.33 की होती है। पेपर 3 में आपका इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें से आपको एक चूज़ करना होता है कि आप इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे। इसमें आपको ऐसे लिखना है, प्रेसेस लिखना है, लेटर या एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा जो 100 मार्क का होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर ओनली, ठीक है। ASO के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, SO के लिए इंटरव्यू होगा। उसके बाद में आपका CPT होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए होता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं, SO के लिए इंटरव्यू होगा, ASO के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। ASO के लिए आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 नंबर का, SO के लिए नहीं होगा, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में CPT। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये कॉमन रहेंगे और कंपलसरी रहेंगे तीनों, दोनों पोस्ट के लिए तीनों पेपर सबको देने पड़ेंगे। डिफरेंस है आपका इंटरव्यू और CPT में, ठीक है। ओके, मैंने ये नोटिफिकेशन देख लिया है पूरा, इसमें इतना ही था आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो मुझे बताना था वो इतना ही था। इसमें मैंने आपका सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया है। आई वाज नॉट प्लानिंग कि मैं सिलेबस भी इसमें इंक्लूड करूं, बट थोड़ा ही था क्योंकि टॉपिक टॉपिक मैंने बताया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, वीडियोस पूरी देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। ओके, थैंक यू।